हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल शाक फार्मासी, जहां आपको मिलती है मेडिसिन की राइट और कंप्लीट जानकारी। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लड़कियों में होने वाले पीरियड के दौरान परेशानी और सावधानी के बारे में, पीरियड में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो फ्रेंड, हम वीडियो में जानेंगे लड़कियों और औरतों के पीरियड के दौरान होने वाली बहुत ज़रूरी कुछ सावधानियों के बारे में आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। फ्रेंड, पीरियड्स के दौरान महिला व औरत के होने वाली बीमारियां, जैसे पीरियड के समय सावधानी बरतने पर लड़की और औरतों को PCOD यानी पॉलीस्टिक ओवरी डिसीज, PCOS पॉलीस्टिक ओवरी सिंड्रोम, सिस्ट और बच्चेदानी जैसे कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। ये आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। जो लड़की और औरत पीरियड के दौरान सावधानी बरती हैं, उनको ये ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। अब बता लेते हैं क्या होता है PCOS। PCOS एक मासिक धर्म का रुकना या अनियमित होना, अत्यधिक बाल उगना, मुहासे, बाजपन और वजन का बढ़ना। PCOS से पीड़ित महिलाएं में 2 टाइप की शुगर यानी मधुमेह, रक्तचाप, हृदय संबंधी और एंडोमेट्रियल कैंसर का अधिक खतरा बढ़ जाता है। वही बात करें PCOD के बारे में, तो PCOD एक गर्भाशय समस्या है जिसमें महिलाओं के अंडाशय यानी बच्चेदारी में छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। फ्रेंड, एक गंभीर समस्या है। पीरियड का साइकिल जाने तो पीरियड का साइकिल किसी महिलाओं के 5 दिन, किसी महिला को 7 दिन तक होता है। इस दौरान पीरियड के दौरान कुछ महिलाओं को अत्यधिक दर्द का महसूस होता है, जिसके कारण वो ऐसे दर्द का महसूस करती हैं। फ्रेंड, महिला को पीरियड में महिला व लड़की को गुनगुने पानी से नहाना चाहिए और गुनगुने पानी पीना चाहिए, इससे पीरियड खुल के आएंगे और बिना दर्द के होते हैं। वही गुनगुने पानी पीने से पीरियड खुल के आएंगे, ब्लीडिंग सही होगी। साथ ही अगर आपको खट्टी और ठंडी चीज़ों का परहेज करना चाहिए, जैसे दही, चावल, ठंडा पानी, अचार, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, इमली, मिर्च मसाला और तला भुना, इससे पीरियड खुल के नहीं हो पाते हैं और पेट में दर्द ज़्यादा होता है। पेट दर्द को कम करने के लिए आप गर्म पानी या हॉट ट्यूब से सिकाई कर सकते हैं, जिसके कारण पेट के दौरान आपको दर्द का कम महसूस होगा, यानी कि दर्द कम होगा। पीरियड में दर्द को ख़त्म करने के लिए पानी में अजवाइन उबालकर उस पानी को गर्म गर्म पिएं, इससे आपको आराम मिलेगा और ब्लीडिंग भी अच्छे से खुलकर होती है, जिसके कारण आपके पीरियड टाइम से होंगे और दर्द नहीं होगा। और पीरियड टाइम में दर्द को ख़त्म करने के लिए ध्यान रहे, कोई भी दर्द निवारक गोली नहीं खानी चाहिए। अगर आपको दर्द ज़्यादा हो रहा है पीरियड टाइम में, तो आप गर्म पानी की बोतल से सिकाई कर सकते हैं। साथ ही एक टेबलेट सिर्फ मेप्टिल स्पास नामक दवाई ले सकते हैं, या फिर अपने डॉक्टर के सलाह अनुसार पीरियड में कोई भी दवाई लें। पीरियड में लड़की और औरत को हल्के कपड़े पहनने चाहिए। हर 4 घंटे पर अपना पैड बदलना चाहिए। सभी लड़की और औरत को पीरियड के टाइम आराम करना चाहिए। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि लड़कियों को पीरियड के टाइम पैडों को बदलना चाहिए, टाइम टू टाइम, और आराम करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।